टाइम बहुत काम करना है, क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है, मिट्टी उपजाऊ भी तकनीकी यहाँ से हमारा संस्थान एक शिफ्ट करके आए क्वेश्चन करे हैं उसके और अपने खेत में भी बनाए। गुलाबी सुंडी को लेकर के जो किसानोमीटर है उसको लेकर के हालांकि पिछले साल भी काम हुआ था, अब किस तरह की जो है अभी देखिए, ये जो समस्या है ये 3 साल पहले शुरू हुई थी और जैसे मैंने बताया वहाँ पे और सारी चर्चा हो रही है कि मेन जो बात है कि जो हम यहाँ बीटी नरमे लगाते हैं उसमें गुलाबी सुंडी जो आ रही है वो उसका आने का कारण है कि जो बीज हमारा मध्य भारत दक्षिण भारत से आता है जो तेल के लिए जो ये व्यापारी मंगवाते हैं उसके साथ आने की बात है जो हम लोगों ने सिद्ध की है। तो 3 साल में ये प्रॉब्लम जो है एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे अब बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे खतरा है। जैसे मेरे बात हुई पंजाब में बठिंडा में जो डायरेक्टर हैं पंजाब PAU खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परमजीत हैं, उनसे भी पिछले कुछ दिन पहले बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि आगे बहुत खतरा बढ़ रहा है इसका पंजाब में भी। तो उसके लिए हमें हर जगह पे इधर से ये संस्थान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं इंचार्ज हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर स्तर पे ये लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि किसी तरह से या तो बीज के ऊपर कोई क्वारंटाइन लगे, बीज में रोक हो, अगर नहीं होती तो जो भी बचाव कर सकते हैं उसका इनको इतनी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई आप मुनाफे के लिए जो काम कर रहे हो तो किसानों को तो बचाव करना पड़ेगा, किसानों के बचाव के लिए उस बीज का जो आपको फ्यूमिगेशन करना है या उसके जो प्रिकॉशन लेनी है सावधानी लेनी है अपने जहां आप फैक्ट्री में लाते हो यूनिट में लाते हो उसमें ट्रैप लगा के ये सारा पता करके उसके बचाव वहीं करें, ये ना हो के खेतों में फैल जाए। तो यहां पे हमारे जो अभी नए डायरेक्टर लगे हैं वो भी बड़े जागरूक हैं, आपने अभी देखा, और वो अभी इधर से नया सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं कि इसको हमारे सेंटर की जगह साथ में यूनिवर्सिटियों में भी और सेंटर बनाएं इसकी रोकथाम के लिए। तो पूरे ज़ोर शोर से कोशिश जारी है और अगर आ भी गई तो रोकथाम कैसे करनी है उसके लिए भी हम पूरे प्रयास जो है यहाँ से हमारे वैज्ञानिक हो गए टुटेजा साहब हो गए डॉक्टर ऋषि हो गए ये सब मिल के पूरी तरह से लगे हुए। GM से आगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की आजकल चर्चा है, क्या उसमें इस चीज़ों के लिए आंसर्स हैं जो हम फेस कर रही है? हाँ आंसर तो हैं, क्रिस्पर इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये होता है कि कोई भी जीन अपना बिल्कुल अपने हिसाब से जीन एडिटिंग बोलते हैं उसको ऐसे उठा के ऐसे डाल सकते हो, कोई भी आपने कम पानी में खेती करनी है या इस कीड़े की रोकथाम इस बीमारी की तो उसकी जीन का पहचान किया जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ से उठाया जहाँ डालनी है उसमें डाल दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं कपास के अंदर भी हैं जिसमें इवन जो हमारी रुई की गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से बढ़ा दी, दुनिया में बहुत ऐसे उदाहरण आए हैं। तो ये तो एक ऐसी इस पर नोबेल प्राइज़ भी इसी टेक्नोलॉजी पर मिला है, अभी दुनिया का जो मिला है ये तो एक ऐसी तकनीक है और सभी जगह इसका इस्तेमाल तो हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, कुछ भी इससे कर सकते हो आप बदल सकते हो। कितना एरिया इफेक्ट हुआ है इस सुंडी से? अभी तो जो मेरे पास पूरा डाटा तो नहीं है, मेरे क्या 25-30 गांव में तो हो गया नहीं सारे मिला के, हिसार में जींद में कुछ बठिंडा में ऐसे करके है सेंटर के लिए। हाँ इस तरह से करके सारा अभी इकट्ठा रिपोर्ट बना रहे हैं ये, तो आगे का आगे बढ़ गया तो हमारे को जैसे अब इस बार भाव भी अच्छा था बीटी नरमों में पैदावार अच्छी जो किसानों को आमदनी हो जाती है उस पर खतरा हो जाए क्योंकि गुलाबी सुंडी इतना वो कोड की तरह है क्योंकि अंदर चला जाती है सुंडी और जब बाहर खुलता है टिंडा तो काना खुलता है, रोकथाम मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए बहुत सावधानी और बहुत बचाव की ज़रूरत है। पिछली बार जुल्स रोग जिसको शार्ट रोग बोलते हैं वो उसका देखने को मिल रहा, तो उसका क्या कारण है? हाँ वो भी बड़ा ज़रूरी बात है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि हमें उसका आज ही यहाँ काफ़ी अच्छे से चर्चा करनी है। उसका जो हमें मुख्य कारण समझ आता है कि जो इस समय एक तो हम सिफारिश यहाँ से करते हैं कि गहरी जुताई करें 3 साल में एक बार ज़रूर,
गोबर की खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट है, जो भी खाद हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, तत्व लेने की क्षमता बढ़ती है पौधों की, वो जड़ें गहरी जाने की क्षमता बढ़ती, वो सब करेंगे ना तब जाके उस समय वो शार्ट की समस्या कम होगी। मतलब अभी तक ये ज़रूरी है, उस वक्त शार्ट आ जाए तो एक कोबाल्ट क्लोराइड करके साल्ट है 1 ग्राम/100 लीटर, लेकिन वो भी कई जगह से रिपोर्ट आती है काम कर गया, कई जगह अच्छा रिजल्ट नहीं आते। तो अभी से ही, और कुछ ऐसे नरमे भी हैं अभी यहाँ बताएंगे लेक्चर में, कि ये अगर बीज लगाओगे तो शार्ट की समस्या कम होगी। जो थोड़े अगेते नरमे हैं उनमें खतरा ज़्यादा है, जो रेतली भूमि है, मिट्टी की ताकत ठीक करनी पड़ेगी, जहाँ साल्ट ज़्यादा है वहाँ समस्या ज़्यादा है। तो हमें ये जो सारे काम हैं मिट्टी की सेहत के, गहरी जुताई, हरी खाद, गोबर की खाद, ये सब चीज़ों का अभी से ध्यान रखें। बीज भी जो सिफारिश करें बताएं जिसमें नहीं आता, देसी कपास में नहीं आता, BT6 में नहीं आता। अच्छा, क्रॉप रोटेशन कर लें, अगर हम ग्वार की खेती करें बीच में, फसल चक्कर मन अपनाएं तो नहीं आता। बहुत हमने इस पे सर्वे करे, किसानों से बातें करी 3-4 साल से, तो ये समस्या बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से हमें हल करना है अभी से ध्यान रख के। जहाँ राइस पैडीज है वहाँ क्या डाइवर्सिफिकेशन के लिए कॉटन हो सकती है? हो सकती है। वैसे देखिए, डाइवर्सिफिकेशन तो उत्तर भारत की बहुत रिपोर्टें हैं, बहुत नीति में भी आता है, पंजाब सरकार ने भी कई कमीशन कमेटियाँ बनाई हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो हमें करनी पड़ेगी, अपनी नीतियाँ अपनी ठीक करके किसी तरह से धान का एरिया कम करें और उसके अंदर हम जो है और चीज़ें, चाहे पल्सेस हैं या और क्रॉप हैं, वो लाएँ। लेकिन उसके साथ जब तक वो पॉलिसीज नहीं बनेंगी कि भी उसका पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले हमें, उसके साथ जो वो फसल आ रही है उसके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, फूड इंडस्ट्री है, सारे यूनिट्स हैं, उस तरह की एक बड़ी व्यापक योजना बन जाए, तभी किसान भाई उसमें डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन उसमें सरकार को पूरे जोर लगा के नई नीतियाँ बना के ही संभव होगा, लेकिन ज़रूरी बहुत है ये बात। चाहे ये सब्जियों की खाद की बात है तो इनको मैं बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ। और अब जो हमारा मुख्य, जो मुझे कहा गया है इसके लिए, टॉपिक के लिए, जिसके ऊपर आज का हमारा ये कपास मेला, कि मेन आपका इंटरेस्ट है कि कौन सा हाइब्रिड लगाना चाहिए, उसमें विस्तार से बाद में चर्चा होगी कि कौन सा बीज समय के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से, कौन सी जगह कौन सा बीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगा, वो भी हमारे साथी आगे बताएंगे। और थोड़ी सी चर्चा जो सुंडियाँ होती थी, अमेरिकन सुंडी थी, चित्तीदार सुंडी थी, गुलाबी सुंडी थी, ये किसी टाइम पे बड़ा नुकसान करती थी, लेकिन ये नरमे आने के बाद सुंडियों का हमला बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ चिंता की बात रह गई कि रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, चाहे सफ़ेद मच्छर हो, चुरड़ा हो, कोई भी इस तरह के कीड़े जो नुकसान करते हैं, उसका हमने ध्यान रखना है। लेकिन सुंडियों की दिमाग में जो परेशानी थी, मुझे याद है 2001 की बात, अमेरिकन सुंडी इतनी आई थी यहाँ पे कि हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पूरी तबाही कर दी थी, और जो पैदावार थी वो आधे से कम रह गई थी उस टाइम पे। तो उस समय की बातें हैं जब इन सुंडियों ने बहुत नुकसान किए। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, करीब करीब 35-40 साल पहले आज से, गुलाबी सुंडी बहुत नुकसान करती थी, नरमे में बहुत ज़्यादा आती थी। 1982 के बाद से करीब 40 साल हो गए गुलाबी सुंडी का नुकसान होना बहुत कम हो गया, ज़्यादा अमेरिकन सुंडी आने लगी या चिट्टीदार सुंडी आने लगी, लेकिन उस टाइम में गुलाबी सुंडी बहुत आती थी। मैं इस सेंटर पे 1990 में आया था, डॉक्टर बैनर्जी करके एक यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरे को वो पहली बार खेत में लेके गए और उन्होंने मुझे दिखाया कि गुलाबी सुंडी जो फूल है वो ऊपर से जुड़ जाता, जैसे ही फूल खिलता है ऊपर से ऐसे जुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको रोजेट फ्लावर या गुलाबी गुलाब की तरह नया बीज बनाया जाए या कोई इसकी रोकथाम के तरीके बनाए जाए। और किसानों के लिए हमारे संस्थान ने फिर नरमों में गुलाबी सुंडी ना आए उसके रोकथाम के तरीके बनाए और थोड़ा थोड़ा बचाव के तरीके बनाए, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरह से करके ये बात चलती रही। हमारे उत्तर भारत में गुलाबी सुंडी बीटी नरमों पे नहीं आती थी। हमारे जो डॉक्टर ऋषि हैं, इसके एक्सपर्ट हैं सुंडियों की रोकथाम, कीड़ा बीमारी। इस तरह से फिर थोड़ी बात करते करते पंजाब में, बठिंडा जिले में
एक जोधपुर रमाना गांव है, वहां से भी ऐसी खबर आने लगी और वहां भी जाके देखा तो वहां भी एक जिन्निंग फैक्ट्री थी और ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट तेल की एक फैक्ट्री जिन्निंग फैक्ट्री के साथ सब तकरीबन होती है साथ में, इधर से रूई निकालते हैं उधर से बीज का तेल निकालते हैं, वहां पे भी जोधपुर रमाना में ऐसी एक फैक्ट्री थी। उसके आसपास जितने बीजी टू लगे हुए थे सब में बहुत नुकसान हुआ और गुलाबी सुंडी का हमला हो गया। फिर हम लोग और सतर्क अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन पे और एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारे CICR के निदेशक महोदय जी भी एक्सपीरियंस की वैज्ञानिक है, हाँ प्रस्तुत है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और इसी मौके पर जो ये IRF प्रोजेक्ट का किसान मेला हो रहा है अभी, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। जानकारी देते रहते हैं, पिछले साल भी इन्होंने हमारे फील्ड पे जाके हमें बताया, उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ और कॉटन की फसल हमारी बच पाई। जोर से अगला साल भी आपके साथ काम करने के लिए हम अच्छे और दक्षिण भारत से कुछ इधर जो ऑयल मिल है बिनोले की वो उधर से बीज लेके आते हैं तो वो हमारे इधर काफी एरिया में बहुत सी जगहों में गाँव में भी उनकी फैक्ट्रियां खुल चुकी है और उधर से जो बीज लेके आते हैं वो उनको सस्ता पड़ता है। और उसके साथ ये बताया गया अभी ये गुलाबी सुंडी इधर उत्तर भारत में आनी शुरू हो गई है और वो अटैक भी कर रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत सरकार को और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन भेजें कि वो उनको बीज लेके आए लेकिन उनको उपचारित करें। जैसे आपने ये डॉक्टर ऋषिराज ने हमें किताब दी है इसमें लिखा हुआ है कुछ, तो वो अपने गोडाउन में उनको उपचारित करके रखें ताकि ये गुलाबी सुंडी का ज्यादा अटैक हमारे इधर उत्तर भारत में ना हो पाए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ये बात हम भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को एक बैठक होने वाला है उसके लिए एजेंडा पॉइंट रखा है, ये बात आगे लेके जाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन है, मैं जिस एरिया से रहता हूँ नाथ जी चौपटा ब्लॉक, मतलब हरियाणा का जो राजस्थान से टच चार पांच जिले हैं, इन इस साइड की मिट्टी थोड़ी सी हल्की है और हल्की मिट्टी में हम देसी कॉटन बीजते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है डॉक्टर साहब, 40-40 मन किले की होती है, खर्चा कुछ नहीं होता, बट प्रॉब्लम एक है उसमें क्या है कि एक सुंडी आती है, तो यहाँ पर लाल सुंडी आती है, एक और हरी सुंडी आती है, दो सुंडियां आती हैं, अगर इसी में कोई जिस प्रकार अमेरिकन कॉटन में आपने बीटी निकाल रखा है, अगर इस देसी कॉटन में अगर कोई बीटी निकल जाए तो इस जो हरियाणा के चार पांच जिले हैं इन किसानों की आमदनी सुधर सकती है, एक एक लाख का किला जा सकता है। सर मैं समझ गया आपने जो कह रहा है, देसी बीजों में भी ऐसी ही ये बीटी टेक्नोलॉजी लेके आए, ये जो हरी सुंडी है या गुलाबी सुंडी है नुकसान कम करे या कम नुकसान होगा, ये आर्बोरियम देसी प्रांत में है, ये अभी भी पेटेंट चल रहा है उसका और आगे देखेंगे, जब पेटेंट खत्म होता है तो ये बात भी आगे लेके जाएंगे हम, जब हमारे पास वो जो बीज है वो हाथ में आए तब ये देसी कॉटन में करना नहीं करना ये सरकार बड़े स्तर पर लेने का डिसीशन है, मतलब जो आपने मांगा है वो हम आगे लेके जाएंगे, डिस्कस करेंगे कम से कम, उसके बाद जो भी सुझाव मिलता है भारत सरकार से वो ऐसे करने के लिए हम कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सर, अगर अभी परमिशन नहीं है वो करने का। ओके सर, आपको मुबारक हो। थैंक यू सर, मेरा नाम रोहतास कुमार है जी, मैं गांव खारिया सिरसा जिला में है, पिता नाम जगदीश चंद्र है और मैं यहाँ से सर से अमरप्रीत जी है यहाँ से 3 साल से जुड़ा हुआ सेंटर से, तो मैंने BT6 लगाया था और पिछली बार मेरे को 12 क्विंटल की पैदा दिया था तो अच्छा पैदावार होता है। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में मार्च के आखिरी दिनों में किसानों के लिए और हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इस मेले में हमें काफ़ी मतलब अच्छी जानकारी लेने के लिए हम किसान भाई आए हैं और मान लो इसमें जैसे गुलाबी सुंडी खास तौर पे गुलाबी सुंडी के ऊपर और अपना नरमे की बिजाई आने वाली है अभी,
कुछ दिनों में, तो उसको बिजाई कैसे करनी है, गहरी जमीन की जुताई करनी है और उसमें मतलब नरमे में जैसे शाट मार जाता है तो ये गहरी जुताई करना या बीज उस कौन से बीज बोने हैं, हमारी ज़मीनों में कौन से मतलब बीज अच्छे रहेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे को ये केंद्रीय कपास अनुसंधान वाले डॉक्टर जो इन्होंने ये मेला लगाए, इस मेले में इस मेले का लाभ उठाएंगे हम।